खिलाफ रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। श्रीलंका के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच खेला गया फर्स्ट G20 2024 का काफी घातक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम पूरी की पूरी हार के कगार पर खड़ी थी, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 41-41 छक्के और कई चौके ठोक डाले। सब कुछ आपको पूरा बॉल बाई बॉल का हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 14, ऋतुराज गायकवाड़ 9, अभिषेक शर्मा 9 और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल तो 0 पर आउट हो गए। भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, कोच गौतम गंभीर कभी पसीने छूट गए, क्योंकि भारतीय टीम 4 ओवर के भीतर 4 विकेट गवा चुकी थी और अब भारतीय टीम पूरी तरीके से 99% इस मुकाबले को हार चुकी थी। लेकिन मैदान पर दो आंधी थी, जो मैदान पर आते ही उन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और श्रीलंका के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में पहले ही आते मैदान पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला भी मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चला। रिंकू सिंह ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने 18 छक्के और 24 चौके ठोक दिए, तो वहीं रिंकू सिंह ने 21 छक्के और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 14 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 948 रनों की नाबाद पारी खेल डाली।